करिए अंकल, मत रोइए, मत बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है, भेज दिया उसने मेरे को आपके लिए। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के नए ब्लॉग में और आपके अपने चैनल PLM व्लॉग पर। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, आज कोई राइड नहीं होने वाली है, आज कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आपको जस्ट ये बताना चाह रहा था कि सोशल मीडिया की ताकत क्या होती है। तो देखिए, आपने यूट्यूब पे देखा होगा या व्हाट्सएप पे आपको आए होंगे वीडियोज़ एक बाबा जी के जो दिल्ली के हैं, जिनका एक छोटा सा स्टॉल है खाने का, तो एक ही दिन में वो कितने हिट हो गए, एक ही दिन में। जी हाँ, 6 तारीख को वीडियो आया था उनका, जो आया था गौरव भाई की तरफ से, गौरव भाई ने बनाया था और उनका चैनल है स्वाद ऑफिशियल। तो पहले तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा, गौरव भाई ने बहुत अच्छा काम किया है। और क्या है ना, सोशल मीडिया पे अगर कुछ वायरल होता है तो बहुत लोगों की मदद भी होती है, अच्छा भी वायरल होता है, बुरा भी होता है। तो यार दोस्तों, एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, वायरल करना है तो अच्छी चीज़ करो, बुरी नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ताकत है। और आज ऐसा वक्त आ गया है कि बाबा जी के दुकान के बाहर, ढाबे के बाहर जो उनका स्टॉल है, तो वहाँ पे लोग सेल्फियाँ ले रहे, वीडियोस बना रहे, और मीडिया का तो यार पूछो ही मत, मीडिया ने तो पूरा हालत ख़राब कर दिया है। और कल के वीडियो में मैंने एक देखा था, जेएस फिल्म का वीडियोस था, तो जब वो वहाँ पे गए तो दुकान बंद करनी पड़ी थी बाबा जी को, पुलिस वाले ने बंद करवा दी थी क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। तो यार दोस्तों, मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूँ और बाद में अपन बात करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आपने अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि उससे हमको मोटिवेशन मिलेगी, तो सब्सक्राइब करो यार। नमस्कार अंकल, क्या नाम है आपका? पांडा प्रसाद। और आंटी आपका? बदामी दिल। कितनी उम्र है आपकी? 80 साल। 80 साल की है आप? तो अंकल कब से कर रहे हैं आप ये काम? ये काम कर रहे हैं 88 से। सन 88 से ये काम कर रहे हैं आप? अच्छा, तो अंकल क्या क्या बेचते हैं आप यहाँ पे? दाल चावल सब्जी है। तो ये देखिए जी, आंटी जो है अपने हाथों से यहाँ पे रोटी बनाती हैं तवे की, और बहुत 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 ज्यादा मेहनत करते हैं ये दोनों मिलके यहाँ पे। ये देखिए जी, ये है इनके चावल, ये चावल है 3 पाव। अच्छा जी, तो ये आप ये भी नहीं बिक पाते? नहीं बिक पाते। चलिए कोई बात नहीं, आज का बीड़ा तो मैं लेता हूँ आपका, जितना भी खाना है आज सारा मैं अपनी तरफ से आपको इसका पे करूंगा। और ये दाल है जी, ये दाल आधा किलो, आधा किलो दाल भी नहीं बिकती है। माय गॉड, मेरे पास सीरियसली शब्द नहीं है। देखिए कितनी बढ़िया इन्होंने दाल बनाई है जी, मिक्स दाल बनाई हुई। अंकल क्या कीमत रखी है इसकी? हाफ प्लेट 30 रुपए का है। 30 रुपए का हाफ प्लेट है। चलिए और क्या बनाया अंकल? आलू सोयाबीन। अच्छा जी, क्या बढ़िया, एकदम आलू सोयाबीन की सब्जी है। देखिए जी, तो आप और आंटी मिलके लग जाते हैं सुबह से बनाने के लिए जी। ओए होए, ये देखो भाई जरा मटर पनीर, ओए होए क्या बात है। अंकल कितनी कमाई हो जाती है दिन में रोजाना? कमाई तो अभी तक हमारे पास ये, हमारी पास ये दुकानदारी हुई है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि भाई गुजारा भी नहीं हो पा रहा है, इतनी तो इनकी लागत हो जाती है जितनी की ये कमाई नहीं कर पा रहे। इतनी बढ़िया आप सब्जी बनाते हैं अंकल, फिर भी नहीं बिक पा रही है? छोटे बाद में आपको एक बार अंदर आके थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखिए आंटी यहाँ बेचारे, ये देखिए कितनी छोटी सी इनकी एक कुटिया जहाँ पे ये सारा खाना वाना बनाते हैं, और उसके बाद इतनी सी जगह पे ये सारा यहाँ पे काम धाम धाम करते हैं। वक्त सबके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन देखिए इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने कोशिश करना नहीं हारा, लेकिन हमें इनको कुछ ना कुछ हेल्प करनी पड़ेगी, सपोर्ट करनी पड़ेगी। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं इन लोगों को, इन दोनों को, तो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ना मोबाइल नंबर दे दूंगा, अपना नंबर दे दूंगा, और इनके पास मोबाइल भी नहीं है कि हम इनको कुछ हेल्प कर सके। चिंता मत करो अंकल, अब मैं आपकी जो ये वीडियो है ना, हम कोशिश करेंगे कि इतनी ज़्यादा वायरल करें। और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी इनको हमारी ज़रूरत है, तो हम एक
एक मुहिम चालू करेंगे जिससे हम लोग थोड़ा सा चंदा इकट्ठा करेंगे, और जितना भी इकट्ठा होगा चंदा आपको और आपको आंटी को मैं खुद ला के दूंगा, और जितने भी मेरे फॉलोअर सब्सक्राइबर हैं हम सब मिलके आपकी मदद करेंगे, और आपको बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। तो मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, आप लोग वहां पे आके डोनेट कर सकते हैं, और जो भी डोनेशन होगी हम अगली वीडियो एक बार दोबारा बनाएंगे, और जितनी भी डोनेशन होगी उस डोनेशन में इनकी हेल्प करेंगे। अंकल रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है, भेज दिया उसने मेरे को आपके लिए, बिल्कुल मत रोइए। तो यार दोस्तों अभी हम आ चुके अपनी बाइक पर फिर से। तो आपने देखा बाबा जी का वीडियो आया था 6 तारीख को, आज 10 तारीख है, और पिछले 2 दिनों से वहाँ पे जो मीडिया का टाका लगा पड़ा है भैया, ऑसम, सारे मीडिया वाले ब्लॉगर जा रहे हैं, मीडिया वाले जा रहे हैं, और लोग सेल्फी ले रहे हैं यार वहाँ पे, तो एक सेल्फी पॉइंट भी बन गए, और बाबा जी की मदद भी हो रही है बहुत अच्छी। हम भी कोशिश करेंगे मदद करने की बाबा जी की, जो भी हमसे बन पाए, जो पूरे देश भर में वायरल हो रहा है। तो यार दोस्तों देखिए इस वीडियो को भी वायरल कर दीजिए, जिससे कि बाबा जी की मदद हो जाए। कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेंगे, बाबा जी तक मदद पहुंच जाएगी। नीचे मैं एड्रेस भी दे दूंगा बाबा जी के ढाबे का। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो करते एंड। छोटा सा वीडियो था, थोड़ा सा नॉलेज देना चाहता था कि यार सोशल मीडिया क्या क्या कर सकता है, सोशल मीडिया की ताकत क्या है। तो बस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मोटिवेट कीजिए यार हम लोगों को, मोटिवेट कीजिए, ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो तो लाते रहेंगे। चलिए बाय बाय, सी यू, मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। अबे साइड, तो यार दोस्तों मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, चलिए फिलहाल के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।